पर फिर से ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रतीक सहजपाल का जलवा चल पड़ा है। सोशल मीडिया पे प्रतीक सहजपाल का दबदबा है और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यही बात का मेंशन जो है वो किया है प्रेरणा दीदी ने। जी हाँ, इस वीडियो में मैं राहुल भोज आपको बताता हूँ कि आखिरकार प्रेरणा दीदी क्या कहती हैं सोशल मीडिया के द्वारा। स्वागत है आपका फीफा फूज में, आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ RHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो अवश्य करें। दोस्तों, ये रियलिटी रिव्यू है जहां पर आपको बताना चाहता हूं कि प्रतीक सहजपाल टॉप मेंशन कंटेस्टेंट्स में से एक बन गया है ट्विटर पे। जी हाँ, ये 8 अक्टूबर 2021 का रिपोर्ट कार्ड है जो कि प्रस्तुत किया गया है और इसका स्क्रीनशॉट खींचा गया है, ये देखिए। और इसी को ही शेयर करते हुए प्रेरणा दीदी ने कुछ बातें लिखी हैं। प्रेरणा दीदी से खैर शेयर करती हैं और लिखती हैं कि लिखा है एक्चुअली प्रतीक के फैंस ने कि यस्टरडे आल्सो ही वाज ऑन द टॉप मेंशन, जितना भी ट्राई कर लो टू ब्रेक प्रतीक एंड प्रतीक फैम, वी विल ऑलवेज स्टैंड स्ट्रॉन्ग। वाओ, क्या बात है, ऑल द वेरी बेस्ट प्रतीक फैम्स। एंड यहाँ पर नंबर वन पर है प्रतीक सहजपाल, जिन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ट्विटर पे। फिर उसके बाद है उमर रियाज, फिर उसके बाद है करण कुंद्रा, फिर है श्रमिता शेट्टी और फिर है तेजस्वी प्रकाश। दोस्तों, ये जो है सोशल मीडिया पे हंगामा मचा रहा है। अब प्रतीक सहजपाल ने तो बिग बॉस के घर में सचमुच में धमाल मचाया है। आज वीकेंड के वार पे पता चल जाएगा कि आखिरकार प्रतीक क्या धमाल कर रहा है। दोस्तों, आप लोगों को इस पर क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। मुझे आप लोग इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। बाय बाय।